हेलो वन, वेलकम टू इंडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीक्षा। तो आज चलिए जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो बेहद ही खास और इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं कि बात होगी चाइना की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे चाइना की ऐसी कौन सी खास बात है जो हमें नहीं पता। तो हम आपको बताने जा रहे हैं वो खास बात जिसकी चर्चा पूरे विश्व में है। जी हाँ, जहाँ पूरी दुनिया सिर्फ एक सूरज पर जीवन व्यतीत कर रही है, वहीं पर चाइना में 3 सूरज दिखाई दिए हैं। क्या है ये खास बात, आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश। चीन के आसमान में दिखा अनोखा नजारा, बर्फीले आसमान में एक साथ दिखे 3 सूरज। दोस्तों, ये तो दुनिया जानती है कि चीन एक कृत्रिम सूरज बना रहा है, लेकिन पिछले दिनों चीन के आसमान में एक अनोखा नजारा दिखाई दिया जिस पर कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। तो कई लोग इसे आसमान में होने वाली अनोखी घटना बता रहे हैं। दरअसल उत्तर पूर्व चीन के शहर मोहे के लोग सुबह उठे तो ये दिन उनके लिए बेहद खास और हैरान करने वाला था। ये लोग आसमान में एक साथ 3 सूरज देखकर अचरज में पड़ गए। वैसे तो दुनिया एक ही सूरज की गर्मी से बेहाल है, ऐसे में एक साथ 3 सूरज का आसमान में नजर आना लोगों के लिए हैरत में पड़ने जैसा था। हालांकि आसमान में दिख रहे 2 अन्य सूरज असली नहीं थे और सन डॉग की वजह से उन्हें 3 सूरज दिख रहे थे। इसे वायुमंडलीय प्रकाशीय घटना के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से लोगों को एक की बजाय अधिक सूरज आसमान में दिखने लगते हैं। दरअसल सन डॉग आसमान में प्रकाश के किसी अवरोध से बटने पर दिखाई देता है। बर्फीली हवाओं के कारण वातावरण में नमी बर्फ के रूप में बदल जाती है और इससे होकर जाती हुई प्रकाश की किरणें इसे अलग अलग भागों में बांट रही हैं। सन डॉग को टेक्निकल भाषा में पैराहीलियन कहते हैं। ये घटना तब होती है जब सूर्य 22 डिग्री पर होता है और उस समय वातावरण में बर्फ के कण मौजूद होते हैं। बर्फ के कण ऐसे जंगल पर हों जहां बर्फ का हर एक कण प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रहा हो। उस समय सूर्य की जो किरणें आती हैं वो बर्फ के कणों पर पड़ती हैं तो एक प्रतिबिंब, मिराज या छवि बनती है, उसे ही सन डॉग कहते हैं। इसमें ऐसा लगता है कि 2 सूर्य हैं, जिसमें एक सूर्य ज्यादा चमकीला है और दूसरा उससे कम प्रतिबिंब वाला सूरज कुछ घंटों में ही आसमान से गायब हो जाता है। चीन में हुई ये दुर्लभ घटना लोगों को 3 घंटे तक दिखी। सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक लोग इस दुर्लभ घटना को देखते रहे और कईयों ने इसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की। पीपल्स डेली चाइना ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें 3 सूर्य दिख रहे हैं। वीडियो में सूर्य के साथ 2 चमकीले स्थान दिख रहे हैं जिन्हें फैंटम सन भी कहा जाता है। ट्विटर और फेसबुक पर इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है। चीन बना रहा है अपना कृत्रिम सूरज, इस साल के अंत तक हो जाएगा तैयार। वैसे तो चीन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे दुनिया हैरान हो जाती है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो अलग से एक सूरज तैयार कर रहा है। हालांकि ये सूरज आसमान में नहीं बल्कि एक बड़ी सी लैब में तैयार किया जा रहा है। इसको बनाने के पीछे चीन का मकसद ऊर्जा को हासिल करना है। दरअसल वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी कम होती जा रही है। खुद नासा के शोध भी यही बताते हैं कि आकाशगंगा के दूसरे तारों की अपेक्षा हमारा सूरज जल्दी कमजोर हो रहा है। इससे धरती पर हिमयुग जैसी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। हालांकि चीन नकली सूरज पर तेजी से काम कर रहा है और उसका दावा है कि ये असल सूरज से लगभग 13 गुना तक ज्यादा रोशनी और गर्मी देगा। चीन के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज तैयार करने में सफलता भी हासिल कर ली है। ये एक ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से 13 गुना ज्यादा ऊर्जा देगा। कई सालों से चली आ रही ये रिसर्च हाल ही में पूरी हुई है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक वैज्ञानिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इसी साल इसे अमल में लाया जा सकता है। ये खबर साइंस अलर्ट में भी छपी थी। वैसे चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे देश सूरज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गर्म प्लाज्मा को एक जगह रखना और उसे फ्यूजन तक उसी हालत में रखना सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी, जिसे केवल चीन ने ही सुलझाकर नकली सूरज बना लिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।